अब जब हम प्रक्रिया को समझ गए हैं तो सिस्टम को बेहतर ढंग से डिजाइन करने के लिए योजना और गणना को जानना भी आवश्यक है। यह एक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है। तो पहले आप जानकारी एकत्रित करें, फिर आप साइट और रूफ प्लान को स्टडी करें, फिर अगर हमको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है तो उसके लिए स्टोरेज टैंक चाहिए या रिचार्ज वेल चाहिए, या स्टोरेज टैंक और रिचार्ज वेल दोनों चाहिए उसके बारे में पता लगाएं। फिर जब हम स्टोरेज टैंक बनाएंगे तो कितने नंबर ऑफ स्टोरेज टैंक्स बनाने के हैं, उसकी कितनी क्षमता होगी और कहाँ पे बनाना है उसके बारे में पता लगाएं। फिर उदाहरण तैयार करें, फिर कॉस्ट का अनुमान लगाएं। जल ग्रहण क्षेत्र यानी कि कैचमेंट एरिया दो तरह के होते हैं। एक कच्ची सरफेसेस, कच्ची सरफेसेस का पानी अधिक अशुद्धियों को घोल में लेता है यानी कि मिक्स करता है, और पक्की सरफेसेस जैसे कि छतें, ड्राइववे, पार्किंग क्षेत्र, आंगन और सड़कें, ये सरफेसेस सरल और साफ होती है। ये सरफेसेस पानी की अधिक मात्रा और बेहतर गुणवत्ता को एकत्र करती है। भारत में शहरी क्षेत्रों में छतें ज्यादातर आरसीसी, जीआई शीट, टाइल्स, स्लेट से बनी होती है। ध्यान रखें कि कंक्रीट और सीमेंट की छतें धातु की छतों की तुलना में अधिक धूल और गंदगी को बरकरार रखती है। कैचमेंट एरिया का कैलकुलेशन करते समय साइट योजना से या तो वास्तविक माप से हमें ये पता करना है कि कैचमेंट एरिया का टाइप कौन सा है, छत है या कच्ची सरफेस है, फिर कितनी छतें हैं, फिर उसका माप लेना है, उसको साइट ड्राइंग में लोकेट करना है, और अगर साइट ड्राइंग उपलब्ध नहीं है तो ये सभी छतों का नाप लेके उसका एक ड्राइंग तैयार करना है। तो अब हम छत का एरिया कैलकुलेट करते हैं। छत का एरिया कैलकुलेट करने के लिए लंबाई इंटू चौड़ाई करना होता है। यहाँ पे दिए गए उदाहरण में छत एक का लंबाई और चौड़ाई 10 फीट इंटू 10 फीट इज इक्वल टू 80 स्क्वायर फीट का एरिया है। दूसरी छत है जिसका एरिया 12 फीट इंटू 10 फीट 120 स्क्वायर फीट का एरिया है टोटल। तो जब हम ये दोनों छतों का टोटल करते हैं तो हमें कुल 200 स्क्वायर फीट का एरिया है जहाँ से हम रेन वाटर हार्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कैलकुलेशन है रेनफॉल। वर्षा के बारे में चार प्रकार की सूचनाएं हैं जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। एक है एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ अ सिटी। हमारे मामले में अहमदाबाद में 44 डेज में 757 mm जितनी बारिश होती है। फिर आता है विभिन्न महीनों में वर्षा का पैटर्न। तीसरा है बरसात के दिनों की संख्या और चौथा है अधिकतम वर्षा की तीव्रता। इस तरह एक और महत्वपूर्ण नाप है संग्रह दक्षता यानी कि कलेक्शन एफिशिएंसी। यह ये बताता है कि हम विभिन्न सरफेस से कितना पानी एकत्र कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिए गए टेबल में विभिन्न सरफेस का प्रवाह गुणांक दिया गया है। जितना ही उच्च रन ऑफ गुणांक होता है, प्रवाह गुणांक होता है, उतनी ही उच्च जल संग्रह क्षमता होती है। आमतौर पर प्रवाह गुणांक 0.9 कंसिडर किया जाता है। बाद में यहाँ पे दिए गए टेबल में प्रति व्यक्ति दैनिक पानी की आवश्यकता कितनी है इसके बारे में बताया गया है। विभिन्न गतिविधियों के अनुसार एक दिन में एक इंसान को 135 लीटर के पानी की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमने पहले चर्चा की, स्टोरेज टैंक या तो जमीन पर या तो जमीन के ऊपर बनाया जा सकता है। स्टोरेज टैंक के लिए कुछ पैरामीटर्स है जो उसके शेप और साइज को डिसाइड करने में मदद करता है। एक है मौजूदा टैंक की क्षमता की जांच करें। दूसरा, वर्षा जल की मात्रा जिसे हमें संग्रह करना है उसका पता लगाए। तीसरा, घर में निवासियों की पानी की मांग कितनी है उसका पता लगाए। चौथा, साइट पर उपलब्ध स्थान, हम कहाँ पे टैंक का निर्माण कर सकते हैं उसकी जांच करें।
और बिल्डिंग का लेआउट पता लगाए, उसका लेआउट समझे, और अंत में क्लाइंट का बजट कितना उपलब्ध है उसके बारे में भी जाने। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। यहाँ पे दिया गया उदाहरण एक मौजूदा घर का लेआउट है। जैसे कि हमने समझा, पहले मौजूदा टैंक की क्षमता की जांच करें। यहाँ पे मौजूदा टैंक की क्षमता कुछ 3,000 लीटर है। बाद में साइट के ड्राइंग को समझने के बाद साइट पर उपलब्ध स्थान का पता लगाएं, जहाँ पे हम नई टैंक का निर्माण कर सकते हैं, और फिर पूरे घर का लेआउट को समझें। अब टोटल कैलकुलेशन की प्रक्रिया को देखने के लिए यहाँ संपूर्ण रूप से RRWH की गणना का उदाहरण दिया गया है। मान ले कि पानी की आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 135 लीटर्स है। यहाँ पे टेरेस का एरिया 20 फीट x 30 फीट यानी 600 स्क्वायर फीट है। इस एरिया को हम स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 55.7 स्क्वायर मीटर जितना एरिया मिल रहा है। हम कलेक्शन एफिशिएंसी का गुणांक 0.9 कंसिडर कर रहे हैं। घर में व्यक्तियों की संख्या 4 है और प्रति व्यक्ति दैनिक पानी की आवश्यकता 135 लीटर्स है। अब जितना टेरेस का एरिया हमारे पास है उससे हम कितना रेन वाटर कलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए छत का क्षेत्र इनटू कलेक्शन एफिशिएंसी इनटू रेनफॉल, तो उससे हमें 37,976 लीटर जितना पानी मिलता है। अब पूरे साल के लिए कुल दैनिक पानी की आवश्यकता के अनुसार पानी की मांग कितनी है, तो उसके लिए घर के व्यक्तियों की संख्या इंटू प्रति व्यक्ति दैनिक पानी की आवश्यकता इंटू साल के दिन, तो हमें मिलता है 1,97,100 लीटर जितना पानी की मांग। अब वर्षा जल के पानी को हम कितने दिन उपयोग में ले सकते हैं, तो उसके लिए जितना पानी हमने टेरेस से कलेक्ट किया 37,976, उसको हम घर के व्यक्तियों की संख्या इंटू प्रति व्यक्ति दैनिक पानी की आवश्यकता से डिवाइड करेंगे तो हमें दिन मिलेंगे। यहाँ पे मिल रहे हैं हमें 70 दिन, तो बाकी के दिन हमें अन्य जल स्रोत पर निर्भर रहना पड़ेगा। ये उदाहरण हमें पूरे कैलकुलेशन का आइडिया देता है। धन्यवाद।